साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, धान का किसान मंडियों के बाहर कई कई किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़ा है। बाजरे का किसान 400-500 रुपए घाटे में अपना बाजरा बेच रहा है। फसलें किसानों की खराब हो चुकी हैं और पहले से ही 10 महीने से शरणार्थी बनकर के किसान 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी के कानून की मांग कर रहा है। और हम बार बार एक बात कहते हैं, अभी बुआई का समय है, सरसों की बुआई का समय है, अन्य फसलों की बुआई का समय है, डीएपी खाद की जरूरत है। अमूमन एक किसान को 4 से 5 कट्टे अमूमन एवरेज डीएपी चाहिए, लेकिन हालात ये हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और उसको 1 कट्टा खाद नहीं मिल पा रहा है, जो किसान हितेशी होने के दावे ठोकते हैं वो पूरी तरह से किसानों को खत्म करने पर तुले हुए हैं। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री और हरियाणा सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि वो तुरंत हरियाणा के किसानों को डीएपी उपलब्ध कराए, तत्काल प्रभाव से डीएपी किसानों को मिले, नहीं तो फिर कड़ा फैसला मजबूरी वश हमें लेना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सुन ले इस बात को, हरियाणा की सरकार सुन ले इस बात को, किसान को खून के आंसू रुलाना बंद कीजिए और उसकी बार बार ताकत देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें ताकत कितनी है। क्या आप डीएपी के लिए भी आंदोलन चलेंगे? 7 साल से सरकार है, डीएपी के लिए भी किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। यह सरकार के लिए शर्म की बात है। अगर सरकार ने तत्काल डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करवाई तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा, हरियाणा के सभी किसान और संगठन, नौजवान खट्टर सरकार के खिलाफ फैसला लेंगे। इसको कड़ी और सीधी चेतावनी समझा जाए और इस वीडियो को साथियों शेयर कर दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।